दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज को अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज के लिए पाकिस्तान के दिग्गजों ने की सनसनी मचा देने वाली भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस बीच सीरीज के शुरू होने से पहले प्रतिक्रिया का दौर प्रारंभ हो चुका है। इस बीच पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम, शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक ने भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसी टीम को विजेता घोषित कर दिया जिसका नाम सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। आखिरकार पाकिस्तान के दिग्गजों ने भविष्यवाणी करते हुए क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली और संजू सैमसन में कौन खतरनाक बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जो दोनों टीमों के बीच पहली बार कोई सीरीज के रूप में आयोजित होगी। आपको बता दें, भारत और अफगानिस्तान के बीच 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 11 जनवरी को होगा, तो वहीं दूसरा मैच 14 जनवरी को होगा और तीसरा मैच 17 जनवरी को खेला जाने वाला है। इसके लिए दोनों टीमों का ऐलान हो चुका है, जहां पर दोनों टीमें अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए अभ्यास करने लगी हैं। लेकिन इस बीच प्रतिक्रिया का दौर प्रारंभ हो गया है, जहां पर पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर सभी को हैरान कर दिया, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए दोनों टीमें तैयार हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की T20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिलेगी। लेकिन भारतीय टीम को अफगानिस्तान की टीम से टक्कर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम पुरानी वाली अफगानिस्तान की टीम नहीं है, बल्कि नई वाली अफगानिस्तान की टीम है, जिसके पास किसी भी टीम को हराने की काबिलियत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन देखने को मिला, उसके चलते उनका जीत तो मिल सकती है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह धीरे धीरे अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने का काम किया है, उसके चलते भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है, जिसमें भारतीय टीम को जीत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम के पास भी शानदार खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन भारतीय टीम अपने घर में खेल रही है, जिसके चलते भारतीय टीम को जीत दर्ज करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के सामने अफगानिस्तान की टीम कमजोर है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम धीरे धीरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय टीम को अफगानिस्तान की टीम इस बार टक्कर देने वाली है। ऐसे में भारतीय टीम अफगानिस्तान से बचकर रहने का प्रयास करे। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ अभी तक एक भी T20 सीरीज नहीं खेली है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम इस बार भारतीय टीम को परेशान कर सकती है, क्योंकि भारतीय टीम के जैसी कंडीशन में ही अफगानिस्तान की टीम खेलकर इतनी बार बेहतर टीम बनी है और ऐसे में अफगानिस्तान की टीम को यहां पर बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम के पास इस समय काफी बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद है। हालांकि भारतीय टीम कुछ कमजोर नहीं है, लेकिन भारत के सामने अफगानिस्तान की टीम काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत अफगानिस्तान से बचकर रहे। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ से अफगानिस्तान की टीम भी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम ने भारत की धरती पर हुए वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसको देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम के खिलाफ यहां पर भी अफगानिस्तान की टीम अच्छा ही प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास बेहतर गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन अफगानिस्तान की टीम भी कुछ खास कमजोर नहीं है। मेरा मानना है कि सीरीज के अंदर अफगानिस्तान की टीम को जीत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम धीरे धीरे भारत को टक्कर देने योग्य बन चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक खेली जाएगी। आपको बता दें, भारतीय टीम 11 जनवरी को मोहाली के मैदान पर पहला T20 मैच खेलेगी और 14 जनवरी को इंदौर के मैदान पर दूसरा T20 मैच होगा। 17 जनवरी को तीसरा और अंतिम T20 मैच बेंगलुरु के मैदान पर होगा, जिसके लिए दोनों टीम पूरे तरीके से तैयार है। इस दौरान अफगानिस्तान की टीम की कप्तानी इब्राहिम करते हुए दिखाई देने वाले हैं और भारतीय टीम की तरफ से टीम की कमान रोहित शर्मा संभालते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में इस T20 सीरीज के लिए दोनों टीम पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है, लेकिन T20 सीरीज के शुरू होने से पहले अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान ने भारत को धमकाया है। पलटवार करते हुए शुभमन गिल ने मुंहतोड़ जवाब जारी कर पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है, जिसमें राशिद खान ने बयान देते हुए कहा
ये भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की T20 सीरीज होने वाली है और इस दौरान भारतीय टीम अपने आप को मजबूत समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन असलियत में भारतीय टीम बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। भारतीय टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में काफी ज्यादा औसत रहा है। ऐसे में भारतीय टीम अपने आप को मजबूत समझने का बिल्कुल भी प्रयास न करे। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इस समय सबसे बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज बेशक मौजूद हो, लेकिन हमारी टीम के पास सबसे महान खिलाड़ियों का पूरा कोर मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। अफगानिस्तान की टीम पहली बार भारत के खिलाफ खेल रही है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में हमारे खिलाफ भारतीय टीम T20 सीरीज में बुरे तरीके से हारने के लिए तैयार हो जाए। वहीं शुभमन गिल ने पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज काफी ज्यादा रोमांचक होने वाली है और इस सीरीज के लिए हमारी टीम पूरे तरीके से तैयार है। हमारी टीम के पास इस समय बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है और अफगानिस्तान की टीम भी कुछ कमजोर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अफगानिस्तान की टीम अगर हमको हराने के बारे में हमारे घर में बिल्कुल भी न सोचे। क्योंकि इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की टीम के पास बेहतरीन गेंदबाज मौजूद है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम के पास इस समय इतनी ताकत नहीं है कि वह हमारी टीम को हमारे घर में बुरी तरीके से हरा दे। तो ऐसे में अब हमारे खिलाफ विरोधी अफगानिस्तान की टीम बुरी तरीके से T20 सीरीज को हारने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम इस सीरीज को अपने नाम करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच 11 जनवरी से 17 जनवरी तक 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच टीम का ऐलान होने के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की 14 महीने के बाद वापसी हो चुकी है। इन दोनों खिलाड़ियों की एंट्री के साथ एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि दोनों T20 वर्ल्ड कप में भी खेल सकते हैं। और ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गजों का सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान सामने आया, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम के दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने प्रदर्शन के दम पर किसी भी स्थिति में मैच को भारत के पक्ष में डाल सकते हैं। दोनों के पास सबसे ज्यादा अनुभव है और ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को T20 से बाहर रखने का फैसला हमेशा विरोध में करता आया हूं, लेकिन अब उनकी एंट्री टीम के अंदर हो चुकी है तो मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बल्लेबाजों के पास काफी ज्यादा अनुभव है और इस बार का T20 वर्ल्ड कप कठिन कंडीशन में होगा और ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में अभी से शामिल किया गया, ये BCCI का सबसे बेहतरीन फैसला भी साबित हो सकता है। वहीं शेन वॉटसन ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं। दोनों टीमों के पास में अच्छी बल्लेबाजी करने की काबिलियत है, तो साथ ही में सबसे ज्यादा अनुभव भी इन दोनों खिलाड़ियों के पास मौजूद है। और ऐसे में अगर इन दोनों खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल किया जाए तो ये भारत का सबसे सही फैसला है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों को इस सीरीज में शामिल करने से T20 वर्ल्ड कप के रास्ते इन दोनों के लिए खुल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाज आगे T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो दोनों को का देना चाहिए, क्योंकि दोनों भारतीय टीम के लिए हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं और ऐसे में इन दोनों की वापसी से मैं काफी ज्यादा खुश हूं। तो वहीं एरन फिंच ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए इन्होंने T20 में खेलने की इच्छा जताई है, जो कि बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि वर्ल्ड कप को समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और अगला वर्ल्ड कप मात्र 6 महीने के अंदर होने वाला है।